हेलो रियर स्टूडेंट्स तो इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स वी स्टडीज व्हाट इज कॉम्पिटेटिव डायनेमिक्स एंड कॉम्पिटेटिव ड्राइवलरी कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स कॉम्पिटेटिव ड्राइवलरी हमें यही बताता है दैट फर्म्स विच आर इन द सेम इंडस्ट्री फर्म दो आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट एंड सेलिंग इन द सेम मार्केट लाइक दे हैव द सेम टारगेट कस्टमर दे कीप ऑन इम्प्रूविंग देम सेल्स दे कीप ऑन इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट्स सो एज टू गेन मोर एंड मोर मार्केट शेयर ये हो गया हमारा कॉम्पिटेटिव रायलरी एंड कॉम्पिटेटिव डायनेमिक्स कॉम्पिटेटिव रे कॉम्पिटेटिव डायने में हम ये कहते हैं कि हाँ फर्म्स जो है वो एक रिसर्च करती रहती है डेवलपमेंट करती रहती है प्रोडक्ट में चेंजेस लाती है कॉस्ट में चेंजेस लाती है ये सारी चीज करती है तो इन सारी चीजों को करने के लिए वॉट डू द फर्म्स मेक फर्म्स मेक स्ट्रेटेजी दैट व्हाट वी आर गोइंग वॉट वी आर डूंगट वी है एंड वॉट वी आर गोइंग टू डू ये करने के लिए स्ट्रैटेजी बनती है स्ट्रैटेजिक बिजनेस लेवल सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाई वन दैट वॉट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटीज कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी मीन्स कॉर्पोरेट ऑफिस कॉरपोरेट ऑफिस कौन सा होता है जहां पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज बैठते हैं किसी भी कंपनी की अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की बात करें तो कौन होते हैं उसके बोर्ड में जो लोग होते हैं या जो सीईओ होता है तो सीईओ लेवल पे जो चीजें डिसाइड होती हैं कि हमें कैसे आगे करना है व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन विच इंडस्ट्री वी आर गोइंग टू सर्व व्हाट एक्सपेंशन वी आर गोइंग टू डू कि सपोज फॉर एग्जांपल टाटा को तो टाटा ऑटोमोबाइल्स में भी है और टाटा अब वन करके दवाइयों में भी आ गया है ओके तो जब टाटा ने ये डिसाइड किया होगा कि हाँ अभी हम ऑटोमोबाइल में हैं बट अब हमें किसी और बिजनेस सेगमेंट में जाना है किसी और इंडस्ट्री में जाना है तब टाटा ने ये रिसर्च किया होगा कि किस इंडस्ट्री में हम जा सकते हैं और ये सब करने के बाद टाटा ने देखा होगा कि चलो मैं फार्मा की इंडस्ट्री में जाता हूँ तो इस तरह के जो डिसीजन होते हैं दैट इज At the corporate level. So, that is known as the corporate level strategy. Corporate level strategy, if you want to write down, you can write it down. Corporate level strategy is made at the corporate level and it is made by the top management or the CEO of the company. In corporate level strategy, the decisions, the big decisions for the whole of the company. Are taken. The decisions can be what expansion the business is going to do, the firm is going to do, in which vertical or in which new industry the firm is going to be, or which of the business units of the firm are not performing good and they should. डाइवर्स फॉर्म उस बिजनेस तो ये सारी चीजें हो गई कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी पे ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा फर्म को अगर एक्सपेंशन करना है डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का तो कौन से नए हम वर्टिकल में कौन सी नए इंडस्ट्री में जा सकते हैं या फिर अगर ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस हैं छोटे अभी मैं एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा छोटे छोटे तो कौन सा हमारा बिजनेस कर रहा है अच्छा और कौन सा बिजनेस हमें हटा लेना चाहिए अब जब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी पे ये डिसाइड हो गया कि ये 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 बिजनेस इस 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 डोमेन में इस इस इंडस्ट्री में हमें रहना है तो अब जो इंडस्ट्री आ गई बिजनेसेस आपने ओपन कर दिए अब एक पर्टिकुलर बिजनेस जो है बिजनेस यूनिट वो अपने प्रोडक्ट के लिए अपने कस्टमर्स के लिए कि व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट आवर प्रोडक्ट हाउ वी आर गोइंग टू सर्व आवर कस्टमर व्हाट आर द नीड्स ऑफ आर टारगेट कस्टमर तो जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होती है वो बिजनेस लेवल पे बनती है सो so, अगर ब्रॉडली हम देखना चाहें कि बिजनेस लेवल और कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस होता है तो कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटी आर द स्ट्रेटीज दैट इज मेड फॉर होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज मेड बाई टॉप मैनेजमेंट और टॉप ऑफिशियंपनी फॉर ईच ऑफिस बिजनेस यूनिट वेर एज business unit is the decisions taken at the product level in which the firms decide what are their customers need how are they going to serve their customers and what the customers want from that particular business ये हो गया अब मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था टाटा का तो टाटा जो है हमारा टाटा कॉर्पोरेट लेवल पे तो वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हो गया वो कॉरपोरेट हो गया एक तरह से आप समझ लीजिए जहां भी उसके सीईओ बैठते हैं से अब टाटा क्या करता है उसके अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस यूनिट्स हैं क्योंकि हम तीन एग्जांपल लेकर चलते हैं टाटा एक तो टाटा कार्स बनाता है ठीक है तो कार्स टाटा की कार्स हो गई तो वो मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो गया अब दूसरा टाटा ता, ने क्या किया है टाटा ने वन एम जी डॉट कॉम करके स्टार्ट किया है जो कि फार्मा इंडस्ट्री में आ गया वो मेडिसिन ऑनलाइन मेडिसिन ब्लड टेस्ट ये सारी चीजें स्टार्ट की हैं और तीसरा जो है टाटा का क्रोमा करके जो रिटेल आउटलेट है इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटेल आउटलेट है तो वो एक तरह से रिटेल में भी है तो बस अब और भी है टाटा के बस हम तीन ये एग्जाम्पल लेकर चलते हैं अब फॉर ये हो गया कॉरपोरेट लेवल पे क्या हो गया टाटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और टाटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग बिजनेस क्या हो बिजनेस यूनिट्स क्या हो गई एक हो गया ऑटोमोबाइल में एक हो गया फार्मा में और एक हो गया रिटेल में अब मान लो फॉर एग्जांपल टाटा वांट्स टू डिसाइड कि इन तीन इंडस्ट्रीज के अलावा विच अदर इंडस्ट्री आई वॉन्ट टू गो हमारे फर्म को टाटा को अगर और एक्सपेंशन करना है तो हम कौन सी और नई इंडस्ट्री में जा सकते हैं तो टाटा ने देखा कि अच्छा चलो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं जा सकता हूँ ओटीटी इंडस्ट्री में मैं जा सकता हूं या फिर टाटा ने देखा कि अच्छा मुझे मोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहिए तो ये डिसीजन जो है वो कॉरपोरेट लेवल पर बनेगा अब कॉर्पोरेट लेवल पे इसके अलग अलग बिजनेस यूनिट हो गए अब आते हैं हम बिजनेस यूनिट पे टाटा ने ये सोचा कि हमारे पास जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए तो टाटा के पास कौन सी कार्स हैं कितनी सी एन जी कार्स हैं डीजल कार्स हैं पेट्रोल कार्स हैं और क्या वो ईवी में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जाना चाहता है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जाना चाहता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए कस्टमर्स की नीड क्या है उसको वो कैसे डेवलप करेगा क्या इन्वेंट्री रखेगा क्या प्राइसिंग रखेगा ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस लेवल पे डिसाइड होंगी उसके बाद जब अगर दूसरे यूनिट पे चले वन में हमारे कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं हम अपने कॉस्ट को कैसे नीचे ला सकते हैं ये सारी चीजें बिजनेस लेवल पे डिसाइड होती हैं तो दीज आर द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज वर्सेस द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब हम इस वीडियो को लेक्चर को आगे लेके चलेंगे जिसमें हम पूरी तरह से समझेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजीज आर देयर बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज आर देयर एंड वॉट आर डन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजीज बिजनेस लेवल पे जो हमारी स्ट्रेटेजीज होती हैं मेनली जो ब्रॉडली हम देखते हैं वो हम दो ही चीजें कर सकते हैं जो मैंने पहले के दो लेक्चर्स में भी आपको बताया है फर्म्स क्या करती हैं कि दे ट्राई टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स और दे ट्राई टू एड सम यूनिक फीचर्स टू देयर प्रोडक्ट सो एज दे बिकम डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स ठीक है तो अगर फर्म ये सोचती है कि मैं कॉस्ट कम करके अपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करके मार्केट में लीडर बन जाऊं तो उसको कॉस्ट लीडरशिप बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी करते हैं और अगर फर्म्स ये सोचती हैं कि नहीं प्राइस तो मैं सबके इक्विवेलेंट रखूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैं अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स ऐड कर दूंगा जिससे कि मेरा प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी उसके फीचर्स मेरे कॉम्पिटिटर्स से अलग हो जाए इस वजह से मेरे कस्टमर बेस ज्यादा हो जाए और मुझे मार्केट में एक अच्छी पोजीशन मिले एज कंपेयर टू आवर कम्पिटिटर्स दैट दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट डिफ्रेंसी प्रोडक्ट डिफ्रेंसी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी सो इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट इट डाउन दैट ऑन एट बिजनेस लेवल ब्रॉडली There can be two types of strategies. One is the cost leadership strategy, in which the firm tries to bring down the cost of the product so that it becomes the cost leader in the market and because of that, it gets an advantageous position in the market. And the second business level strategy can be the product differentiation strategy. In the product differentiation strategy, the firms make Add unique features, new features to their products to become ahead and to become differentiated from their competitors and gain a competitive advantage in the market. This is known as the product differentiation strategy. तो ये जो strategies होती हैं उसको अब जो diagram बना हुआ है उसमें देखिए अच्छा तीसरी एक strategy और होती है इसमें कि cost leadership भी आप करिए मतलब cost को भी कम रखिए और प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स भी ऐड करते रहिए तो कॉस्ट इतना भी नीचे नहीं जाएगा कि आप प्रोडक्ट में नए फीचर्स नहीं ऐड कर पाए और प्रोडक्ट में इतने भी नई फीचर्स नहीं ऐड करेंगे कि आपकी कॉस्ट ऊपर जाए सो यू ट्राई टू कीप अ रीजनेबल कॉस्ट एट द लोअर साइड एज वेल एज यू कीप एडिंग डूइंग न्यू फीचर्स टू योर प्रोडक्ट द फीचर्स दैट डू नॉट टेक द योर प्राइस टू हाई इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंसिएशन दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट लीडरशिप कॉस्ट लीडरशिप और डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी की तो आप ब्रॉडली देखिए तीन तरह की बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी हो गई कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटेजी एंड थर्ड वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन स्ट्रेटी अभी हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी उसके पहले ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसको समझते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो है ऊपर लिखा है हम दो तरह से कर सकते हैं दो तरह से क्या है एक तो कॉस्ट मतलब कॉस्ट को नीचे लाके दूसरा लिखा हुआ है यूनिकनेस यूनिकनेस मतलब अपने प्रोडक्ट में यूनिक फीचर्स डाल के अब अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे अब तो लिखा हुआ है एक में ब्रॉड टारगेट और एक में नैरो टारगेट ब्रॉड टारगेट मीन्स की आप अपने सारे सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए कॉस्ट नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी सेगमेंट आपने मार्केट सेगमेंट सेलेक्ट किए हुए हैं टारगेट कस्टमर जो है सबके लिए आप ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं जिससे कि आपकी कॉस्ट नीचे आ जाए और सारे मार्केट के लिए आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं देन दैट इज द ब्रॉड टारगेट नैरो टारगेट तब होता है जब आप सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए जिनकी पर्टिकुलर नीड हम सर्व कर रहे हैं ऐसा प्रोडक्ट बना दे जिसका कॉस्ट नीचे आ जाए और बाकी के कस्टमर सेगमेंट के लिए चलो जैसा चल रहा है वैसे चलने दैट इज नोन एज द फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन में भी ये आता है कि जनरल जो आपका नॉर्मल प्रोडक्ट चल रहा है वो चलता रहे बट एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करके टारगेट ग्रुप को देख करके एक कस्टमर की नीट स्टडी करके आपने एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट उनके लिए लॉन्च कर दिया देन दिस इज नोन एज द फोकस डिफरेंशिएशन अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं कि कैसे मारुति ने पहले कॉस्ट लीडरशिप की फिर डिफरेंशिएशन के साथ मिक्स्ड स्ट्रेटजी शुरू किया सो इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मारुति पहले आप देखिए सिर्फ मारुति 800 मारुति 800 मारुति 800 उनकी दिखती थी एंड दैट वाज ओनली नोन फॉर अ रीजनेबल कार तो जिसको भी एक बेसिक कार खरीदनी होती थी कुछ और नहीं सोच सकता था दो तीन लाख के अंदर तीन साढ़े तीन लाख तक में साढ़े तीन लाख भी नहीं जाता था दो से तीन लाख के अंदर मिल जाती थी मारुति की अच्छी कार मारुति 800 हंड्रेड So, that was purely cost leadership in which they did not bother that what new features they are adding to Maruti 800, what new colors they are adding to Maruti 800. They just kept on manufacturing Maruti 800 at a lower cost and they were the cost leaders in the automobile market. After some time, many other competitors came in the market like Hyundai and Tata, I think. Okay, main competitor was Hyundai. It came in the market, then Maruti came to know that only cost leadership will not do. I will have to add some new features. दैट इज द प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन ऑल्सो तब उसने क्या किया फिर ऑल्टो लॉन्च की ऑल्टो के बाद ऑल्टो के टन लॉन्च की तो कोई बहुत बड़ी ऐसी एसयू वी एकदम से लॉन्च नहीं कर दी थी मारुति ने धीरे धीरे करके उसने प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन शुरू किया और थोड़ी थोड़ी ही कॉस्ट बढ़ी अगर आपको मारुति एट हंड्रेड ढाई लाख की मिल जाती होगी तो आपको ऑल्टो साढ़े तीन लाख की मिल जाएगी या सवा तीन लाख की मिल जाएगी इस तरह से तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई और उसने मॉडल चेंज करके प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मिला दिया तो दिस वॉज द कॉम्बिनेशन इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंसिएशन तो इस एग्जांपल के साथ आप आ, आराम से समझ गए होंगे कि व्हाट आर दिस कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंसिएशन स्ट्रेटजीज ओके सो अब कॉस्ट लीडरशिप करने के लिए और डिफरेंशिएशन करने के लिए दो बहुत अच्छे दो या तीन बहुत अच्छे मॉडल हैं जिसको हम देख सकते हैं तो इनमें से दो जो हैं एक पोर्टर ने मॉडल दिया था जिसको पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल कहते हैं और एक जो रहती है वैल्यू चेन एनालिसिस वैल्यू चेन एनालिसिस करके हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पे अपना कॉस्ट नीचे कर सकते हैं किस प्रोसेस में या फिर किस प्रोसेस में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपना प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं तो आज के लेक्चर के लिए इस पर्टिकुलर के लिए लेक्चर के लिए बस इतना ही सो so, इसमें हमने क्या क्या कवर किया वॉट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी व्हाट इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज आर देयर lecture में कवर करेंगे इसमें जो भी चीज समझ में आया दैट्स वेरी गुड जो नहीं समझ में आया जो भी आपको डाउट है यू कैन पुट अ मैसेज और इससे पहले के जो दो वीडियोस हैं कॉम्पिटेटिव डायनेमिक्स पे वो जरूर देखिएगा तब उससे ये वाला लेक्चर ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सो थैंक यू सो मच